कलगीधर सतगुरु प्रातकाल के समय स्नान कर सुंदर वस्त्र पहनकर महलों से संगत समेत केसगढ़ साहब जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में भाई नंद सिंह नाम का एक गुरसिख नौजवान कीचड़, कच्चे मकानों को किए जाने वाला लेपन, जो गोबर, मिट्टी और फसल के कचरे से तैयार किया गया हो, से अपनी दीवार लेपन रहा था। नंद सिंह आसपास की सुध भूल अपने काम में मस्त था। उसने ध्यान नहीं दिया कि गुरु साहब जी जा रहे हैं। भाई नंद सिंह जो कीचड़ से दीवार पर लेपन कर रहा था, जब उसने दीवार पर कीचड़ी की थोपी हाथ में लेकर जोर से फेंकना मारी, इसके छींटे दूर दूर तक उछले और कलगीधर जी के वस्त्रों पर भी कीचड़ के छींटों के निशान पड़ गए। सतगुरु जी रुक गए और आवाज दी कि नंद सिंह, तू बड़ा गुस्ताख है, आधा मिनट अटक जाता, संगत निकल जाती, फिर दीवार पर कीचड़ की थोपी मारता। इसकी लापरवाही से सभी के वस्त्रों पर कीचड़ के छींटे पड़कर वस्त्र खराब हो गए हैं। इसको एक थप्पड़ मारो ताकि यह भविष्य में ऐसा न करे और इसको महसूस हो जाए कि कोई भी काम करना हो तो आगे पीछे देखकर पूरे ध्यान से करना चाहिए। सतगुरु जी का हुक्म सुनकर सभी सिखों ने गुस्से में आ, जैसे किसी पर धावा बोलना होता है, उसी तरह सभी ने दीवार लीप रहे भाई नंद सिंह को पकड़ लिया। किसी थप्पड़ मारे, किसी ने धक्के मारे, एक थप्पड़ की जगह कईयों ने नंद सिंह के कई कई थप्पड़ों मारकर अपने हाथ सीधे किए और नंद सिंह को काफी चोटें लग गई। यह देख सतगुरु जी ने गुस्से में आकर उनको रोका और कहा कि हमने तो नंद सिंह को एक थप्पड़ मारने के लिए कहा था, आप सभी ने उसे बेअंत थप्पड़ और धक्के मारे हैं, यह क्यों? सभी सिखों ने सतगुरु जी को विनती की, पातशाह, आपने किसी एक सिख का नाम नहीं लिया था, हम सभी आपके सिख हैं, सो हम सभी ने आप जी के हुक्म की पालना की है, हम आपके हुक्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। सतगुरु जी ने सिखों को संबोधित करते हुए कहा, भाई सिखों, हर मानव भूल कर सकता है। भाई नंद सिंह ने भूल की, आपने उसे भूल की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सजा दे दी, आप सभी मेरे हुक्मी सिख हो ना? अब मेरा हुक्म है, नंद सिंह बड़ा खूबसूरत है, सुंदर डील डॉल वाला नौजवान सिख है, अब आप में से कोई सिख भाई नंद सिंह को अपनी बच्ची का रिश्ता दे। सतगुरु जी का यह वचन सुनकर सभी ने गर्दनें झुका ली और चुप हो गए। सतगुरु कलगीधर जी ने फिर दोबारा सिखों को संबोधन कर कहा कि आसान हुक्म तो आप सभी ने बहुत जल्दी मान लिया, कोई सिख अपनी बेटी का रिश्ता भाई नंद सिंह को दे, यह भी मेरा हुक्म है, आप इसको क्यों नहीं मानते? आखिर जब किसी ने गुरु हुक्म न माना तो कंधार निवासी भाई अजब सिंह कंधारी संगत में से निकलकर आगे आया और हाथ जोड़ सतगुरु से विनम्र निवेदन किया कि पातशाह, भाई नंद सिंह के रिश्ते के लिए मेरी कन्या हाजिर है। सतगुरु जी ने भाई अजब सिंह को गले लगाकर वचन किया, धन सिक्खी, लेकिन अजब सिंह तुम्हारे जैसे विरले ही हैं जो हुक्म की कमाई करते हैं। आसान हुक्म तो सभी बड़े चाव के साथ मानते हैं, परंतु जब कठिन हुक्म मानना पड़े तो किनारा कर जाते हैं। इंसान अपने मन की मर्जी का हुक्म बहुत जल्दी मानता है, परंतु असली हुक्मी बंदा कोई विरला है। सतगुरु जी ने वचन किया, भाई सिखो, मालिक ईश्वर को वही अच्छा लगता है जो गुरु के हर हुक्म को बिना नानुकर और हील हुज्जत सत्य कर मानता है। सतगुरु नानक पातशाह जी आशा की वार में फुरमान करते हैं कि जो गुरु का हुक्म मानता है वह गुरु की निगाह में स्वीकृत हो, परमात्मा के आत्म स्वरूप में अभेद हो जाता है। ऐसा हुक्मी व्यक्ति मन वांछित फल प्राप्त कर प्रभु दरगाह में मान सत्कार का सिरोपाव प्राप्त करता है। शिक्षा, हमें ईश्वर के प्रत्येक हुक्म को बिना किसी नानुकर सत्कार के साथ मान लेना चाहिए।